भारत 9 की लॉन्चिंग के मौके पर कांग्रेस की नेशनल कोऑर्डिनेटर रंजीता मेहता ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने आज के समय में मीडिया की जरूरत के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने भारत 9 के डायरेक्टर कमल वधावन को निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता करने की सलाह दी। मेहता ने कहा कि आज के समय में सोशल मीडिया का दायरा बढ़ रहा है, क्योंकि युवा पीढ़ी के पास टीवी देखने का समय नहीं है, इसलिए वे ज्यादातर समय मोबाइल पर ही न्यूज देखते हैं। मेरा ये मानना है कि मीडिया जो है एक चौथा स्तंभ है, क्योंकि यही एक माध्यम है जिसके माध्यम से छोटी बड़ी जितनी भी खबरें हैं हम सब तक पहुंचती हैं। हम सब लोग सो रहे होते हैं, पर हम तक खबरें पहुंचाने के लिए ये लोग हैं जो जाग रहे होते हैं। और मेरा ये मानना है कि मुझे भी अगर एक पहचान मिली है तो इस मीडिया के माध्यम से मिली है। आज अपने करियर में मैं 850 से ज़्यादा डिबेट्स अटेंड कर चुकी हूँ, और जिस दिन मैंने शुरुआत की थी A1 तहलका चैनल पे ही पहली डिबेट मैंने शुरू किया था, और मुझे आज भी याद है उस दिन वुमेंस डे का दिन था, पहली डिबेट थी, और रतनलाल कटारिया जी मेरे ऑपोजिट उस डिबेट पे थे। बहुत ही सीनियर थे, बहुत ही इमारती थे, पर फिर भी मुझे लगता है कि मैंने अच्छा मुकाबला दिया था, और वो खुद तारीफ कर रहे थे कि आज मैं कुछ नहीं बोल पाया और मैडम ही ज़्यादा बोल रही थी। तो आज इस भारत 9 चैनल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शुरू होने जा रहा है, मेरा ये मानना है कि आजकल जितना भी टीवी चैनल्स पे हम देखते हैं धीरे धीरे व्यूअरशिप कम हो रही है, और हम सब इतने व्यस्त हैं कि ज़्यादा जो ट्विटर यूट्यूब और जो ऑनलाइन चैनल्स हैं इसके माध्यम से ही हम अपनी खबरों को देख पाते हैं, कवर कर पाते हैं, सुन पाते हैं। और बहुत अच्छी शुरुआत है कि अगर गुलाचिका से, अब जैसे कि बताया कि बहुत छोटी शुरुआत करके आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं, तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहना चाहूँगी, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे लगता है या तो किसी का इंतज़ार हो रहा है जिसकी वजह से हम टाइम किल कर रहे हैं, या कोई आने वाला है उसके इंतज़ार में हम और टाइम करते करते और बड़ी बड़ी बातें करते करते इतना टाइम स्पेंड करें कि आप सब लोग बोर हो जाएं, ऐसा भी नहीं चाहूँगी। और यही कहना चाहूँगी चार पंक्तियों में कि विधावन जी ऐसी शख्सियत हैं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सादगी के प्रतीक हैं, और उन्होंने और उनकी टीम ने जिस तरीके से आज शुरुआत की है, और मेरे भाई सरदार जी जो चाहते हैं कि मैं उनकी बहन बनूँ, वो हम सबको सबसे एंटरटेन कर रहे हैं, सबको खुशियां बांट रहे हैं, सबको हंसा रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। और यही कहूँगी कि वधावन जी के जो ये शुरुआत है, ये शुरुआत नहीं, ये बहुत बड़ा एक आगाज है जिसको आगे चल के वधावन जी बुलंदियों तक पहुँचा सकते हैं, बिकॉज ये एक माध्यम है जिसके अंदर अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो स्काई इज़ द लिमिट, और ऐसा कोई शख्स नहीं है जो आपकी उसके बाद कदर नहीं करेगा, आपकी चैनल की सराहना नहीं करेगा, क्योंकि व्यूअरशिप जो है वो उसी चीज़ से बढ़ती है कि कितना सच जो है आप दुनिया तक पहुंचाते हैं। और यही कहना चाहूँगी कि इनसे ना पूछिए कि इनकी मंजिल कहाँ है, अभी तो चलने का इरादा किया है, ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं, खुद से इन्होंने वादा किया।